बारिश ना हो वहाँ की फसलें खराब हो जाती है, और जिस घरों में हमारे महान पुरुषों के फोटो ना हो, विचार ना हो, उस घर की नस्लें खराब हो जाती है। और मुझे याजगो समाज, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने 46 से ज्यादा अधिकार दिए, 40 अनुच्छेद दिया, जिसको कहा गया है कि आप इस देश के शासक हो, आपके बच्चे इस देश के IAS IPS बनना था, बड़े बड़े अधिकारी बनना था, इस देश को संचालन करने में, शासन करने में आपकी अहम भूमिका होनी चाहिए थी। लेकिन आज आप देखिए आपकी क्या हालत है, ये हालत क्यों है और ये हालत कब सुधरेगी। आज मेरे समाज के लोग एक गाड़ी में गाय बैल बकरी के जैसे भरा के आते हैं, हाँ ये हालत कब सुधरेगी। हमारे लोग करोड़ों की लाखों की गाड़ी में भरा के क्यों नहीं आते, बैठ के क्यों नहीं आते, ये सवाल आपसे अपने आप से पूछिए। मैं उस समाज से बात कर रहा हूँ जिसके पास जल जंगल जमीन और खनिज संपदा इतनी अपार भरी हुई है कि बाहर से आए शरणार्थी लोग उसको लूट लोग के आज अमीर बने हैं, और मेरी समाज भोली भाली बैठी है। इस समाज को बताने के लिए जो आपको राज करना है, मैं आपको बताने आया हूँ। जो साथी उधर आंदोलन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, आपको इस मंच में ऐसी जगह नारा नहीं लगाना, हमें सड़कों में लगाना है। क्योंकि जो लोग विधानसभा और संसद भवन में बैठे वो चुप है, इसलिए आज और आप हम लोग सड़क में आंदोलन करने पर मजबूर है। अगर विधानसभा और सांसद भवन में बैठने वाले लोग अगर आपकी स्थिति के बारे में अगर चर्चा करने लगे होते, तो मैं आपको बता रहा हूँ आज आप जो फटा कपड़ा पहन के और फटा सा गमछा अपने मुंह में डाल के जो आप आए हो, ये स्थिति आपकी नहीं होती, उसको सुधारने के लिए मैं आया हूँ। मैं आपको जगाने के लिए आया हूँ कि आखिर ये हालात क्यों है। आप कब शासक बनोगे, कब आप मालिक बनोगे, क्या फिर कागजों में आपको मालिक कहा जाएगा। इस देश का प्रतिनिधि जब संयुक्त राष्ट्र में जाके कहता है और बोलता है कि इस देश में जो आदिवासी है वो राज कर रहा है, इस देश का राष्ट्रपति हमने आदिवासी को बना दिया है, उस प्रदेश की जो राज्यपाल है मैंने इन्हीं के गौण समाज से, आदिवासी समाज से बना के रखा है, और वो कहते हैं कि इनको मुफ्त में नौकरियां दे रहे हैं, मुफ्त में कई प्रकार की योजनाएं दे रहे हैं, आज वो लोग नाच गाना कर रहे हैं। और विश्व आदिवासी दिवस के दिन आप देख लीजिए आदिवासी कितना खुश है, ये वहां पर पहुंचते हैं और बोलते हैं। आप ही के प्रतिनिधि भारत सरकार जब पहुंचाती है, मुझे मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आप जब विश्व आदिवासी दिवस को जब सड़कों में नाचते हैं, आपके दो वक्त का खाने के लिए आपके पास खाना नहीं है, आप एक टाइम लकड़ी बेचते हैं, आपके बच्चे को पढ़ने के लिए अच्छा एजुकेशन नहीं है, और जब आप 9 अगस्त को नाच के जब बताते हैं तो वो फोटो उठा के ये संयुक्त राष्ट्र में कहा जाता है कि आप इस दिन आप खुश हैं, आप शासक है, मुझे बताइए कि आप शासक बन चुके हैं, आप खुश हैं। आपकी हालत देखिए, हालत देखिए, आप नीचे से ऊपर तक देखिए, इस देश में राज किसको करना चाहिए था, इस देश में शासन किसको करना चाहिए था, लेकिन आज मूल मालिकों की यह हालत है कि जंगल में उनके हाथ में षड्यंत्र पूर्वक बंदूक थमा दिया गया है, उसका जिम्मेदार कौन है, हमें उस पर भी चर्चा करनी चाहिए। साथियों आपको एक बात हमेशा अपने दिमाग में याद रखना, जो सत्ता में रहता है विकास उसी का होता है। आपको पता है मुगल कालों में जब मुगल शासन था उस समय किसका राज था, किसका विकास हुआ था, मुस्लिमों का विकास हुआ था, क्योंकि वो सत्ता शासन में थे। और जब ब्रिटिश काल आया तो क्रिश्चियनों का विकास हुआ मेरे साथियों, जब अंग्रेज आए उन्होंने क्रिश्चियनों का बहुत जमकर विकास किया, जगह जगह चर्च बनाए, जगह जगह उनकी बहुत संपत्तियां हैं। और जब हिंदू काल आया तो हिंदू काल में ब्राह्मण समाज सबसे उच्च पायदान में बैठा, सबसे ऊपर पायदान में बैठ के शासन सत्ता संभाल रहा था, और आज भी संभाल रहा है। आज कहीं पर भी आपको शासक वर्ग के लोग ये बाजू में जो बिल्डिंग बन रही है यहाँ दोपहर में मेहनत करते हो नहीं दिखेंगे, मुझे बताइए दिखते हैं क्या, क्या शासक वर्ग के लोग आपको सड़क में रोड बनाते हुए दिखेंगे, बताइए मुझे, लकड़ी बेचते हुए दिखेंगे, आपके साथ खंती खोदते हुए दिखेंगे, वो लोग शासक वर्ग बोलो, शासक वर्ग मतलब आप समझ जाइए, वो लोग जिनके यहाँ सबसे बड़ी दुकान है वो शासक वर्ग है, वो लोग जिनके पास सबसे बड़ी गाड़ी है वो शासक वर्ग है, वो लोग जिनके बड़े बड़े स्कूल और कॉम्प्लेक्स है वो शासक वर्ग है, वो लोग जिनके सैकड़ों ट्रक चल रहे हैं वो शासक वर्ग है, वो लोग जिनको रोड बनाने का भी अगर ठेका मिलता है तो वो शासक वर्ग है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आज लाखों करोड़ों की गाड़ियों पे घूमते हैं वो शासक वर्ग है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके ऊपर अत्याचार नहीं होता, जिनकी बहू बेटियों को मणिपुर में जैसे नंगे घुमाया गया आदिवासी महिलाओं को, उनकी महिलाओं को कोई नंगा नहीं घुमाता। मैं उन शासक वर्गों की बात कर रहा हूँ जिनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और आपका बच्चा थोड़ा सा एक स्कूल में पढ़ने पर मजबूर है। मैं उन शासक वर्गों की बात कर रहा हूँ जिनके लोग VIP हॉस्पिटलों में इलाज कराते हैं और वही दूसरा वो लोग खटिया में ले जाकर उनकी सड़क में मृत्यु हो जाती है। एक वो गुलाम वर्ग है, एक वो शासक वर्ग है जो आज अमीर बनकर बैठा हुआ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आखिर कब तक ये शासक वर्ग और गुलाम वर्ग की लड़ाई कब खत्म होगी,
ये खत्म कब होगी मेरे साथियों? हमेशा याद रखना, मैंने बताया मुगल काल में मुस्लिमों का विकास हुआ, ब्रिटिश काल में क्रिश्चियनों का विकास हुआ, हिंदू काल में ब्राह्मण समुदाय का विकास हुआ, जब आदिवासी काल आएगा तो मुझे पता है आप लोग इस देश में राज करोगे, लेकिन वो कब आएगा? आदिवासी काल, इस देश में आदिवासी राष्ट्रपति नहीं, आदिवासियों की राष्ट्रपति चाहिए। इस देश में आदिवासी राष्ट्रपति है, उसके बाद भी आदिवासियों को गोली मारा जा रहा है। इस देश में आदिवासी राष्ट्रपति है, इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ के लड़के फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने वाले लोगों के खिलाफ नंगा घूम रहे हैं, मजबूर हो चुके हैं वो लोग, उनके लिए हमें सड़क में उतरना पड़ेगा और इन युवाओं को उनका साथ देना पड़ेगा। बैठने से कुछ नहीं होगा। आपके भाई देवरावन भलावी के ऊपर 20-25 से ज्यादा एफआईआर, अग्रिम जमानत पर छूटा हूं, अभी मेरे नाम पर वारंट छूटा, 21 दिन जेल में रहा हूं, किस कारण? ये समाज अगर आज नहीं जागी, ये बच्चे जो अभी सामने खड़े हैं, ये आज अगर सड़कों में नहीं चल रहा है तो ये आने वाले समय में गुलाम हो जाएंगे, क्योंकि अंतिम पीढ़ी को बचाने की ये अंतिम पीढ़ी की लड़ाई है। इसके बाद अगर आपने नहीं लड़ा तो आप गुलाम हो जाओगे मेरे साथियों, इसलिए आपको लड़ना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा सत्ता किसके पास में है, लड़ना किससे है। यहाँ के लोगों को वो नहीं समझता, उनका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। आज सत्ता किसके पास में, लड़ना किससे है, याद रखना। मुगलों को पता था कि लड़ना किससे और उनका दुश्मन कौन है, याद रखना। आर्यों को पता था कि वो देश में अगर वो आए तो उनका दुश्मन कौन है, लड़ना किससे है। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, जितने भी विदेशी अंग्रेज डच और जितने भी कंपनी आई, उनको ये बात बड़ी अच्छी से पता था कि उनको लड़ना किससे, उनका दुश्मन कौन है। लेकिन आज मेरी ये समाज, आज मेरी ये बोली वाली आदिवासी समाज, या कि एसटीएससी ओबीसी मूल निवासी समाज, इनको नहीं पता है कि इनका दुश्मन कौन है, लड़ना किससे है। इसीलिए आप हमारे साथ अपनी लड़ाई हारते हो, और जिसको अपने दुश्मन की पहचान नहीं होती वो दुश्मनों से लड़ने के लिए कभी रणनीति नहीं बनाता, और जो कभी रणनीति नहीं बनाता वो युद्ध में कभी जीतता नहीं है। इसीलिए आपको पहचानना पड़ेगा आपका दुश्मन कौन है। मेरी माताएं बहने मेरे पीछे चल रहे, पीछे स्कूल के पास घूम रहे उन बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, आपके दुश्मन को पहचानिए। आज मुझे बताइए, आपके छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षण बचाने की लड़ाई कौन लड़ता है और कौन नहीं लड़ता? जो नहीं लड़ता वो आपका दुश्मन है, जो लड़ता है वो आपका दोस्त है। आपकी बहू बेटी के ऊपर जब बलात्कार होता है तो उस बलात्कार करने वाले आरोपियों को फांसी दिलाने के लिए जो व्यक्ति लड़ता है वो आपका दोस्त है, और जो आरोपी के पक्ष में उतर के सड़क में नेता नगरी करता है वो आपका दुश्मन है। आपको पहचानना पड़ेगा। जो आपकी छिनती हुई जल जंगल जमीन को बचाने के लिए सड़क में उतर के लड़ रहा है वो आपका दोस्त है, और जो कॉर्पोरेट और पूंजीपतियों के साथ मिलकर आपको बर्बाद कर रहा है, आपका जंगल छीन रहा है, वो आपका दुश्मन। इसकी पहचान आपको करना पड़ेगा, और आपने इसकी पहचान नहीं करी इसलिए क्या नुकसान हुआ आपका, पता है? आपका भाई दुश्मन की सेना का सेनापति बन के बैठा है और वो आपके ऊपर गोली चलाता है, आपके अधिकार खत्म करता है, आपकी जल जंगल जमीन लूटता है, आपके खनिज संपदा लूटता है, आपकी बहु बेटियों को आबरू को बर्बाद करता है, आपके हक और अधिकार को और आपके अस्तित्व को खत्म कर रहा है आपकी आंखों के सामने, वो आपका दुश्मन। उसको पहचानो, लड़ो उससे। कब पहचानेंगे आप लोग? आज मध्य प्रदेश के अंदर पूरा का पूरा युवा, चाहे गुणवाना के नाम से हो, पूरा युवा एकत्रित होकर सामाजिक तौर पर सड़क में उतर के न्याय के लिए भटक रहा है और वो ले रहा है। हमारे क्षेत्र में कई ऐसे बड़े लोग हैं जिनके सामने हमारे लोग चप्पल उतार के चलने पे मजबूर थे, जिनके सामने कुर्सी में नहीं बैठ पाते थे, जिनके सामने वो बैठ के खाना नहीं खा सकते थे, जिनके सामने पीला गमछा नहीं डाल सकते थे। ऐसे लोगों के खिलाफ लड़कर आज हमने ऐसी क्रांति लेके आ गए हैं। ऐसे लोगों के सामने गुजर के बोलता जय सेवा, जय गुणवारा, जय बूढ़ा देव, ये जोश मैं आपके अंदर देखना चाहता हूं। आप लगातार सरकार आपके खिलाफ कुछ कानून लेके आई है जो हमारे लोगों को समझ नहीं पाए। आपके खिलाफ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की एक बहुत खतरनाक कोशिश की जा रही है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसमें समान नागरिकता का अधिकार है, जिसमें समान अधिकार की बात किया गया है, सबको समान अधिकार हो। मैं कहना चाहता हूं इस देश के जो मूल मालिक है, 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इस देश का आदिवासी, इस देश का 8.5% 7% आदिवासी इस देश का मालिक है। वो मालिक जिसने इस देश को बनाने के लिए अविभाजित समय, जिस समय राजा महाराजाओं का शासन था, उस समय जिन लोगों ने 258 से ज्यादा रियासत दी, 60% से ज्यादा जमीन भारत देश को बनाने के लिए दी, आज उनका अस्तित्व खतरे में है। आज उनके नाम पे फर्जी लोग स्थायी जाति बनाकर नौकरी ले रहे हैं, उनके खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा, अन्यथा वो आपकी पूरी नौकरी छीन लेंगे।
समस्त मातृशक्ति पितृशक्तियों को मैं कहना चाहता हूँ, हमेशा याद रखिएगा, हमारी समाज मक्कार नहीं है, मुर्दा नहीं है, बेवकूफ भी नहीं है। आज आपके हालात है, चाहे आप गरीबी में हो, अशिक्षा में हो, तो आपकी हालात आपकी वजह से नहीं है, ये हमारे जैसे नेतृत्वकर्ताओं की वजह से है। अगर हम लोग ढंग से काम कर लेते तो गांव गांव मेरी समाज भी जागती और दूसरी समाज की जैसे राज करना सीखती मेरे साथियों। ये हमारी गलती है कि हम आपके गांव तक नहीं पहुंचे, हमारी गलती है कि हमारे पास एक परफेक्ट लीडर नहीं थे, हमारी गलती है कि यहाँ पर युवाओं को हमने शिक्षित प्रशिक्षित और कैडर नहीं दिया, ये हमारी गलती है कि हमने जब बिगड़ती हुई शिक्षा व्यवस्था पे आवाज नहीं उठाया, ये हमारी गलती है जब संसद और विधानसभा में आपके खिलाफ कानून बन रहा था तो हम लोगों ने उसका विरोध नहीं किया, ये हमारी गलती है। और इस गलती को सुधारने के लिए एक मौका आपको देना पड़ेगा और आपको इस बात को दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा कि जो लोग आज आपके सामने बैठे हुए हैं, आपके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, इन लोगों को अपने गांव में बुलाकर इनके साथ बैठक और चर्चा करनी पड़ेगी, तब जाके एक मजबूत समाज में आपकी गिनती होगी, अन्यथा आपका अस्तित्व ये लोग खत्म कर देंगे और नाम का आदिवासी देश में बचेगा। आज हमें उसको बचाने की लड़ाई है। क्या है आज आदिवासी, क्या है आदिवासी? आज आदिवासियों के देखते ही लोग कहते हैं अशिक्षित है, ये बनवासी है, जंगल में रहता है। आपको देखते ही, आपकी माताओं बहनों को देखते ही कहते हैं कि ये लोग तो आदिवासी है, बैगा इससे दूर रहो। अरे इस देश के मालिकों से ऐसे बर्ताव किया जा रहा है। आज टाइगर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है टाइगरों को बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए वन अभयारण्य बनाए जा रहे हैं, लेकिन इस देश में आदिवासियों को बचाने के लिए कुछ नहीं बनाया जा रहा है, उल्टा उनका जल जंगल जमीन छीन कर उनको खत्म किया जा रहा है। इस देश में टाइगर सुरक्षित है, जंगल सुरक्षा कानून बन चुका है, लेकिन इस देश के मूल मालिक आदिवासियों को बचाने के लिए और आपके अस्तित्व को बचाने के लिए कई कानून क्यों नहीं बनता, उल्टा आपको खत्म करने के लिए बनता है। इसके खिलाफ आपको लड़ना है। और अगली बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां बारिश ना हो वहां की फसलें खराब हो जाती है, जहां बारिश ना हो वहां की फसलें खराब हो जाती है, और जिस घरों में हमारे महान पुरुषों के फोटो ना हो, विचार ना हो, उस घर की नस्लें खराब हो जाती है। और मुझे